राजस्थान का विधानसभा सत्र इन दिनों काफी हंगामेदार चल रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस विधायकों की नाराजगी और हंगामे के बीच राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सुबह प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सुबह 11 बजे ही सदन के बैठते ही कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों से अपनी सीट पर जाने और निलंबित विधायक मुकेश भाकर को बाहर भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो प्रश्नकाल के बाद उनकी बात सुनेंगे। हालांकि कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी नहीं थमी, प्रश्नकाल हंगामे के बीच चलता रहा। इस दौरान कांग्रेस विधायकों मंत्री जोगाराम पटेल से इस्तीफा मांगते हुए नारेबाजी भी की। चलिए आपको बताते हैं इस हंगामे के पीछे की पूरी कहानी। 5 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को उंगली दिखाने के आरोप पर कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया गया। भाकर को सदन से निकालने के लिए मार्शल को भी बुलाया गया। कांग्रेस विधायकों ने भाकर की घेराबंदी कर ली। करीब 100 मार्शल बुलाए गए जिनकी सदन में विधायकों से भिड़ंत भी हुई। और तो और सदन स्थगित होने के बाद भी धक्का मुक्की जारी रही, जिसके चलते वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा जमीन पर गिर गए और विधायक अनीता जाटव की चूड़ियां टूट गई। कुछ विधायकों में चोट भी लगी। 2 बार आधा आधा घंटा सदन स्थगित करने के बावजूद गतिरोध नहीं टूटा। आखिरकार सदन स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में धरना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अनदेखी करके पुराने कानून के तहत लोक अभियोजकों की नियुक्ति और विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने का मुद्दा उठाया। इसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस विधायकों ने वेल में पहुंचकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। विपक्ष ने कहा कि संविधान के नियम 206 के तहत राज्य सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग विधि मंत्री पटेल के बचाव में खड़े हुए और कहा कि मंत्री का बेटा होना अपराध नहीं है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने विपक्ष से कहा कि चर्चा के लिए नियमों के तहत लिखित प्रस्ताव दें, जिस पर विचार करके व्यवस्था दी जाएगी। हंगामे के दौरान अध्यक्ष ने विपक्ष के सचेतक रफी खान का नाम पुकारा और प्रतिपक्ष के विधायकों को सीट पर बैठाने को कहा। इसी बीच में विधि मंत्री के सदन में नहीं आने पर नारे लगने लगे। प्रतिपक्ष के सीट पर जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों में आओ, फिर परीक्षण करके व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन यह हंगामा रुका नहीं, बल्कि हंगामा बढ़ता गया। अध्यक्ष देवदानी सबको बैठाने के निर्देश देते रहे। इसी दौरान मुकेश भाकर के व्यवहार से अध्यक्ष नाराज हो गए और उनको बाहर निकालने का प्रस्ताव लाकर उन्हें सदन से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। सत्ता पक्ष से जवाब देने की मांग के बीच हुए शोर शराबे के दौरान कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने आसन की तरफ उंगली उठाई, जिस पर वासुदेव देवनानी भड़क गए। अध्यक्ष देवनानी ने कांग्रेस विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि आसन से ऐसी बात करोगे, शर्म नहीं आती आपको? ऐसी कार्यवाही होगी कि सदन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। देवनानी ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को निलंबन का प्रस्ताव लाने के आदेश दिए। गर्ग ने प्रस्ताव रखा। उसके बाद देवनानी ने भाकर को निलंबित करने के आदेश दिए और सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी। लेकिन भाकर सदन में बैठे रहे। कार्यवाही पुनः शुरू हुई तो सभापति संदीप शर्मा ने भाकर से कहा कि सदन से बाहर जाइए, लेकिन वे महिला विधायकों के बीच बैठे रहे। इस पर सभापति शर्मा ने मार्शल को सदन में बुला लिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों की मार्शल से भिड़ंत भी हुई। भाकर के लिए विधायकों का सुरक्षा घेरा भी जारी रहा। मार्शल के सदन में प्रवेश करते ही कांग्रेस विधायकों ने भाकर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया। महिला विधायक भाकर के दोनों ओर बैठ गई। घेरा तोड़ने के लिए महिला मार्शल को भी सदन में बुलाया गया। मार्शल और विधायकों के बीच हाथापाई हुई। महिला विधायकों ने मार्शलों पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए और इसके बाद एक दूसरे पर बयानबाजी लगातार होती रही। और यही नहीं, इसके विरोध में कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा में ही बिस्तर डालकर रात भर सोते रहे। और 6 अगस्त को सुबह सवेरे ही सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई, उसके बाद खूब हंगामा देखने को मिला। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।